नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के उन सभी एस्पिरेंट के लिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करिए। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी। 2020 में ढेर सारे एस्पिरेंट ने इन गलतियों को किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस आप किस तरीके से भरेंगे, चूँकि इस बार हवलदार की वैकेंसी को भी ऐड किया गया है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से देंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इसमें आपको लैपटॉप, फ़ोन और ढेर सारे अमेजन के बाउचर, उसके अलावा अनअकैडमी की 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी आपके लिए अल्ट्रा कम्बैट करा रहा है। 24 अप्रैल को ये होगा, 12 बजे से लाइव रहेगा। इसमें 60 क्वेश्चन आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वही आपका पैटर्न होगा, और ये जो क्वेश्चन है वो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा सेट किए गए हैं, और पैटर्न आपका सेम वही है। आपके जीएस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, और इसमें अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। इसमें इनरोल कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रेफरल कोड पूछेगा, तो वहाँ पर यूज़ करना है PKV10 और आप इनरोल हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो टेस्ट है वो 24 अप्रैल को 12 बजे से लाइव रहेगा, तो लाइव इस टेस्ट को आपको पार्टिसिपेट करना है। इस टेस्ट को आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगेगा कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड करते हैं और कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इनरोल करिए, और 24 तारीख को 12 बजे दोपहर में ये लाइव रहेगा, तो इस लाइव टेस्ट में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी एस्पिरेंट ने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है, उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि अभी वो लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है कि सर्वर भी लास्ट टाइम पे बिज़ी हो जाता है और फॉर्म भी आपका एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ढेर सारे एस्पिरेंट जो हैं वो उन्होंने सीजल में भी ये गलती की, CHSL में भी इस बार गलती की, और उनका कहीं ना कहीं फॉर्म रह गया। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए। 30 तारीख को, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, फ़ोटो को बहुत ज़्यादा एडिट करके आपको नहीं लगाना है। फ़ोटो जो आपकी फ़ोटो है नॉर्मल, और जिस साइज़ का और जिस फॉर्मेट में फ़ोटो मांगा गया है वो साइज़ और वो फॉर्मेट का फ़ोटो आप लगाइए। और उसके अलावा वो जो फ़ोटो हैं जो आपने खिंचाई हैं वो आप ज़्यादा एडिट मत करिए, नेचुरल फ़ोटो होनी चाहिए। और ये फ़ोटो आप कम से कम इसकी 5 से 10 कॉपी बनवा लीजिए, क्योंकि फिर आपको DB के टाइम पे वो ज़रूरत होगी, और वहाँ पे अगर थोड़ा सा मिसमैच हुआ, अगर आपने यहाँ पे एडिट करके फ़ोटो लगाया तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया पढ़ लीजिए कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें मांगी जा रही हैं, उस हिसाब से अपना फॉर्म जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से देख के आपको भरना है, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि फ़ोटो और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्म को भरते टाइम बहुत ही ध्यान से देखिए, उन्हें पढ़िए, समझिए, फिर उन्हें आपको फॉलो करना। उसके अलावा फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो इसको भर दीजिए, लास्ट डेट का आप इंतज़ार मत करिए, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, फिर हो सकता है कि आपका फॉर्म भी ना फिलअप हो पाए, ठीक है। बात कर लेते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ पोस्ट देते हैं प्रेफरेंस में, बाकी पोस्टें छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जब कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है, अगर आपने सभी पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे, अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरा होगा तो जहाँ पर मिनिमम कट ऑफ होगी वहाँ पर भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, अगर आपके नंबर कम रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितने भी एस्पिरेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनको ऑल स्टेट प्रेफरेंस देना है, सभी जितनी भी पोस्ट हैं उनको प्रेफरेंस देना, और ऑल स्टेट प्रेफरेंस आपको देना है, ठीक है। उसके अलावा आप वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, MTS और हवालदार की जो पोस्ट हैं उनको आप, जैसे कभी हवालदार की पोस्ट को ऊपर रखा, कभी MTS की पोस्ट को नीचे रखा, कभी हवालदार की पोस्ट को नीचे, MTS की पोस्ट ऊपर, इस तरीके से अपना प्रेफरेंस देना है। जहाँ जहाँ पर वैकेंसी है इनकी सभी को भरना है, आपको किसी भी पोस्ट को छोड़ना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और आपको सभी ऑल स्टेट जो प्रेफरेंस है उसको भरना है, ऐसा नहीं है कि कुछ पोस्ट आपने भरी उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, इससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि
पेपर कैसा आता है, उसका लेवल कैसा आता है, इसको आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते। आप कितने भी काबिल हों लेकिन आपको सारे जो भी प्रेफरेंस है वो भरना है, एक भी प्रेफरेंस छोड़ना नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर से बता देता हूँ कि फॉर्म अभी तक आपने अगर नहीं भरा है तो फॉर्म सबमिट कर दीजिए। सभी पोस्टों को आपको भरना है, ऑल स्टेट प्रेफरेंस देना है। उसके अलावा फ़ोटो और जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो फ़ोटो लगाएंगे उस तरीके की 5 से 10 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, ताकि बाद में जब डीवी वगैरह कराएंगे तो वही फ़ोटो आप दिखाइए। कोशिश ये करिए, ठीक है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और फॉर्म को अभी तक आपने नहीं भरा तो फिलअप कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी बात मैं आपको समझाना चाहता था बहुत अच्छे तरीके समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।